नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेंटल स्टेटिस्टिक्स के आपके चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं मैंगोज राउंड द ईयर। ये ईवीएस क्लास 5 चैप्टर नंबर 4 है। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। और देखिए, ये जो चैप्टर है मैंगोज राउंड द ईयर, कहने को तो मैंगोज राउंड द ईयर है, लेकिन इसके अंदर बेसिकली तीन इंपॉर्टेंट चीज़ों पर बात करी गई है। पहला है इसके अंदर कि फूड स्पॉइल कैसे होता है, दूसरी बात करी गई है मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट के बारे में, और तीसरी बात करी गई है मामिंडी टंड्रा। मामिंडी टंड्रा ये आंध्र प्रदेश का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है आम पापड़। अगर आप किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को एज ए क्लास 5 स्टूडेंट, या फिर अगर आप टीचर हैं और प्रिपेयर कर रहे हैं कि इस लेसन को क्लास में कैसे एग्जीक्यूट करें, तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। आइए शुरू करते हैं। जैसे इस पिक्चर के अंदर आप देख रहे हैं 3-6 फ्रेंड्स हैं, आपस में बात कर रहे हैं। यहां पर कुछ ऐसे, एक बार क्या होता है कि इनके पास कुछ पूरियां हैं, किसी के पास पोटैटो सब्जी है, किसी के पास भंडी है। तो इसके अंदर क्या है कि एक वेजिटेबल जो है वो खराब है, वो उनको कैसे पता चला, वो उनको पता चला उनको सूंघ करके। यानी कि जो स्पॉइल्ड वेजिटेबल्स होती है वो फॉल्स स्मेल करती है, यानी कि उसकी स्मेल थोड़ी सी अलग होती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि फूड स्पॉइल हुआ इसका कैसे पता चला, फूड स्पॉइल कैसे होता है और क्यों होता है। सबसे पहला, फूड जो है विद द पासेज ऑफ टाइम स्पॉइल होना शुरू हो जाता है। दूसरा, फंगस और बैक्टीरिया के रिएक्शन की वजह से भी फूड स्पॉइल होना शुरू हो जाता है। और अगर कोई फूड काफ़ी समय तक रखा जाता है और वो एयर लाइट और एयर है, लाइट है और इन सब के अगर कांटेक्ट में आता है तो उसकी स्पॉइलेज शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके साथ वो बैक्टीरिया के साथ रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके अंदर स्पॉइलेज ऑफ फूड है। इसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी है जिसके अंदर बात किया गया है कि कौन सी ऐसी वेजिटेबल्स हैं या कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जो 2 से 3 दिन में ख़राब हो जाते हैं, कौन सी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो लगभग 1 हफ्ते तक चल जाते हैं, और कौन से ऐसे खाने का सामान है जो कि लगभग 1 महीने तक चल जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स के ऊपर यहां पे बात करी गई है। और यहां पे ब्रेड या रोटी को लेकर के एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। यहां पर बीजी जो है किसी दुकान पर जाती है और एक ब्रेड का पैकेट लेती है, और ब्रेड का पैकेट देखते ही उसको वापस कर देती है। यहां पर ब्रेड का पैकेट उन्होंने वापस क्यों किया बिना उसको सूंघे, क्योंकि वहां पर ब्रेड के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी हुई थी, और एक्सपायरी डेट को देख करके उनको समझ में आ गया कि अब जो ये ब्रेड है ये खाने लायक नहीं है। तो यहां पर एक्सपायरी डेट का मतलब क्या होता है, यहां पर 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट जुड़ जाते हैं। एक है मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक है पैकिंग डेट और एक है एक्सपायरी डेट। मैन्युफैक्चरिंग डेट वह डेट है जिस पर कोई सामान पकता है यानी कि बनता है, पैकिंग डेट जब उसकी पैकिंग होती है, और एक्सपायरी डेट जिसके बाद वो खाने के लिए बेकार हो जाता है यानी कि अब वो खाने लायक नहीं होता। यहाँ पर बच्चों को बताने की ज़रूरत है, ये बच्चों को यह जानने की ज़रूरत है कि एक्सपायरी डेट की इंपॉर्टेंस क्या है और क्यों कोई भी खाना खाते समय हमें एक्सपायरी डेट के बारे में जानना चाहिए। यहाँ पर साथ ही साथ बात करते हैं कि अगर कोई फूड के अंदर एक्सपायरी डेट के पहले है लेकिन फिर भी और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे अगर वो पैकेट लीक्ड है, जैसे कोई कुरकुरे का पैकेट है तो आपने देखा होगा कि वो भरा हुआ होता है यानी कि उसके अंदर हवा भरी होती है। तो अगर कोई पैकेट पिचका हुआ यानी कि उसकी हवा निकली हुई, तो क्या हमें उसको खाना चाहिए अगर वो एक्सपायर नहीं हुआ है तो जी हाँ दोस्तों, ऐसे केस में बच्चों के अंदर ये जगाना जरूरी है कि वो जाने कि हाँ, क्योंकि अब उसके अंदर एयर कॉन्टैक्ट में आ गया है तो अब वो ख़राब हो चुका है। हालांकि वो एक्सपायरी डेट से पहले की चीज़ है लेकिन फिर भी हमें उसको खाना नहीं चाहिए। तो इसके बारे में हमें बच्चों को बताना जरूरी है। यहाँ पे देखिए, हाउ डज द फूड गेट स्पॉइल्ड, तो यहाँ पे एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट है कि एक रोटी लेनी है और 6 दिन तक उसको ऑब्जर्व करना है, जिसके अंदर छूने के बाद उसने क्या चेंजेस आया, सूंघने पे क्या चेंजेस आया, लेंस के थ्रू देखने पे क्या चेंजेस नज़र आ रहे हैं, और रंग में क्या परिवर्तन आया है। तो यहाँ पे 6 दिन के अंदर जब हम देखते हैं तो 6ठे दिन जो रोटी की जो हम शेप वगैरह देखते हैं तो वो काफ़ी फंगसफुल हो जाती है, और उसका रंग भी चेंज हो जाता है, और बहुत ही ख़राब स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर स्पॉइलेज ऑफ फूड के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है। अब देखिए, यहाँ पर एक ये बड़ी बेहतरीन पिक्चर है जिसके अंदर बात करी गई है मामिंडी टंड्रा की। मामिंडी टंड्रा का मतलब क्या है, समर ट्रीट। अब मामिंडी टंड्रा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये एक आंध्र प्रदेश का वर्ड है और इसका हिंदी में मतलब होता है आम पापड़। जी हाँ, आप यहाँ देखते हैं मेक सम मामिंडी टंड्रा आम
पापड़ फ्रॉम देम, यानी कि मामिंडी टंड्रा जो एक आम पापड़ होती है, यहाँ पे मामिंडी टंड्रा बनाने की एक रेसिपी दी गई है जिसके अंदर आंध्र प्रदेश के अंदर समर के टाइम पे कुछ आम थे तो वहाँ पे कुछ लोग जाते हैं, कुछ बच्चे जाते हैं और वहाँ पे वो मामिंडी टंड्रा बनाते हैं। इसके लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, उन चीज़ों के बारे में जानकारी लेनी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खासकर मेन जो चीज़ें चाहिए वो है हमारे पास एक आम की पल्प चाहिए जो कि जिसके अंदर फाइबरलेस हो, दूसरा जैगरी चाहिए और शुगर चाहिए। इन तीन चीज़ों की सहायता से हम मामिंडी टंड्रा बना सकते हैं। लेकिन इस स्टोरी के अंदर साथ साथ में दिया हुआ है कि पाम ट्री का पत्ते चाहिए, फिर इसके बाद यहाँ पे घिसने के लिए हमें कोकोनट का भूसा चाहिए यानी कि हस्क चाहिए, जैगरी चाहिए और शुगर चाहिए और एक मैट भी चाहिए। तो यहाँ पर क्या करना होता है, सबसे पहले आप देखिए आम तोड़ कर लेके आते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर पके हुए आम, जो काफी पके हुए आम है उसका पल्प निकाल लेते हैं। पल्प निकालने के बाद यहाँ पर क्या किया जाता है, इसको एक मैट पे रगड़ के इसके अंदर से फाइबर निकाल लिया जाता है और फिर फाइबर निकालने के बाद एक दूसरे कंटेनर के अंदर गुड़ को, जैगरी को और चीनी को दोनों को अच्छे से मिला करके कूट दिया जाता है और उसके बाद इस मिक्सचर में मिला करके ऐसे मैट पर फैलाया जाता है और मैट पर फैलाने के बाद उसको छोड़ दिया जाता है। अगले दिन फिर से यही प्रोसेस दोबारा होता है और पहली जो लेयर आज लगी थी वो थोड़ी सी सूख चुकी होती है, इसके ऊपर दूसरी लेयर फिर दोबारा बनाई जाती है, फिर अगले दिन तीसरी, फिर चौथी, पांचवी, छठी, ऐसे करके इस चैप्टर के अंदर बताया गया है कि लगभग 4 हफ्तों तक ये प्रक्रिया चलती है और 4 हफ्तों के बाद मामिंडी टंड्रा रेडी हो जाता है खाने के लिए और ये काफी टेस्टी होता है। तो यहाँ पर इसी स्टोरी के अंदर यही सारी चीजें दी गई हुई हैं और इस चैप्टर के अंदर बेसिकली यही मामिंडी टंड्रा और स्पॉइलेज ऑफ फूड और एक्सपायरी डेट के बारे में बेसिकली बात करी गई है। इसके बाद और कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं इसके अंदर, और थोड़ी बहुत अगर आप देखेंगे इस बुक को तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी, लेकिन जो मेन आइटम थे इस चैप्टर के वो यही थे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि सब्सक्राइब करते ही आपको ऐसी वीडियोज़ की अपडेट रेगुलर मिलते रहेंगी। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।